हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन फैली हुई है, क्योंकि 10,000 मकान तोड़ने का ऑर्डर है। इसे लेकर बहुत हंगामा हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव हुआ है पुलिस पर, और उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। इस मामले में किसान नेताओं ने भी दखल दे दिया है। मामला क्या है, आज हमारे 4 रिपोर्टर्स ने इस पूरे केस को कवर किया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। पहले पुलिस पर पत्थर चले, फिर पुलिस की लाठियां चली। ये सब कुछ हुआ दिल्ली के बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ अरावली रेंज पर बसे 10,000 मकान तोड़े जाने हैं, जिसे खोरी गांव के नाम से जाना जाता है। हंगामा खूब हुआ, फोर्स बहुत थी, लेकिन जिसका डर था वही हो गया। बेकाबू हुए लोगों को डील करने के लिए पुलिस पहले से तैयार थी, क्योंकि पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लगभग 3 घंटे तक गांव के बाहर सड़क किनारे प्रदर्शन करने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी खोरी गांव के ये अंबेडकर पार्क है, इसके अंदर पहुंचे हैं। दरअसल सुबह इसी पार्क के अंदर महापंचायत की जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। सुबह से ही भारी संख्या में हरियाणा पुलिस इस पार्क के अंदर मौजूद थी। 11 बजे के आसपास जब पार्क के अंदर स्थानीय लोगों ने घुसने की कोशिश की, उस दौरान हंगामा होना शुरू हो गया। ये उस खोरी गांव के लोग हैं जो अरावली रेंज पर अवैध रूप से बसा है। इस गांव को तोड़ा जाना है, और इसी के खिलाफ यहां महापंचायत थी, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंच गए। खोरी गांव के कुछ लोग हमारे पास गए थे कि हमारी 1 लाख की आबादी है और हमें उजाड़ा जा रहा है, ये कह के आपके जो मकान है वो फॉरेस्ट की जमीन पे है। तो इन्होंने यहाँ पे पंचायत की थी, हमने कहा था पंचायत में पूरी में आके हम पता करेंगे क्या बात है और सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से पहले ही यहाँ पे लोगों को लाठियाँ भांजी गई और बता रहे हैं बहुत बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया और कई लोगों को जेल में भी ले गए हैं, अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया है। सबको खबर थी कि पुलिस का एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मुद्दा अरावली रेंज पर अवैध निर्माण का है। खोरी गांव के आसपास का तमाम इलाका अरावली रेंज के फॉरेस्ट एरिया में आता है। यहां 10,000 मकानों को अवैध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन मकानों को तोड़ा जाएगा। अरावली रेंज क्या है, अरावली रेंज इतना अहम क्यों है, यहां दशकों तक अवैध निर्माण कैसे चलते रहा, और अब अरावली रेंज में बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई है, ये इस पूरे केस में सबसे अहम सवाल है। फरीदाबाद में ये तमाम इलाका अरावली रेंज का है। यहाँ पिछले 3 दशकों में फॉरेस्ट एरिया पर ही 10,000 मकान बन गए थे। इन्हें अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी किया था। अब यहाँ पुलिस पहुंची है तो पथराव और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। पुलिस वाले भी काफी लाठी चार्ज करने लगे, फिर घरों में घुस के लोगों को मारने लगे, टॉर्च देख रहे हैं जला जला के कि किसने किसको मारा, और वहाँ से लोग भगी नहीं रहे थे पुलिस वाले। जब जनता अपने घर में घुस गए तो हम लोग घर में सारे लेडीज घुसे थे, घर में भी घुस के मारने लगे। मैंने खुद देखा वहाँ से इतना मोटा पत्थर वहाँ पे फेंक के मारा पुलिस वालों ने, डंडों से मारा, लेडीज को भी मारा डंडों से। ये कहीं लेडीज पे हाथ उठाते हैं जैन पुलिस? सरदार जी नारेबाजी दे रहे थे ना, तो और फिर सरदार जी उसमें पार्क में लेके जा रहे, लोगों ने डंडा बरसाए, और फिर जब ज्यादा लड़ाई होने लगी तो ईंट पत्थर चलाए। एक लड़की को तो ऐसे खींच के ले गए कि उसकी इज्जत नहीं थी, उसके घर में बेटी नहीं थी, जैसे कि इंसान जैसे मुर्दा भी है उसको भी तो अर्थी कंधा पर धर के ले जा रहे ना। 2 दिन पहले इस इलाके में बिजली पानी को भी काटा गया था, जिसका विरोध करने ये दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंचे थे, लेकिन आज महापंचायत को रोकने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने कोशिश की। कोशिश का नतीजा ये निकला कि पुलिस पर ही पथराव हुआ, जिसके बाद सिचुएशन लाठीचार्ज तक पहुंची। खोरी गांव कहां है, अल्टीमेटम क्या है, और अब 10,000 परिवारों के सामने संकट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए कि पूरा मामला क्या है। ठीक सामने यहाँ पर यहाँ का जो 5-स्टार होटल है
वो यहाँ पर मौजूद है। उसके पीछे की ये पूरी जगह जो है वो खोरी गांव है और ये पूरा इलाका जो है वो अरावली की ग्रीन बेल्ट है, अरावली के जो पर्वत है वहाँ पर जो जंगल है वहाँ के बीचों बीच ये पूरा खोरी गांव बसा हुआ है। जिस तरीके से पूरी आबादी यहाँ पर है, 10,000 जो मकान है वो यहाँ पर है, पहले भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और लोगों का कहना यही है कि वो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, उनको यहाँ से हटाया जाता है तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। अरावली रेंज पर खोरी गांव के अवैध मकानों का क्या असर पड़ रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा केस अरावली रेंज से जुड़ा हुआ है। अरावली रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक करीब 600 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता रहा है। चीफ मिनिस्टर को बयान देना पड़ा और चीफ मिनिस्टर ने जो सरकार है, सरकार ने यहाँ का डेप्यूटेशन बात के लिए बुला लिया, आज की बड़ी जीत है। तो 5 लोगों की कमेटी आप लोगों ने बनाई है यहाँ पर, उनका क्या काम है, वो क्या सीधा आप लोगों को रिपोर्ट करेंगे? नहीं, जो सरकार बात के लिए बुलाएगी वो सरकार से बातचीत करने जाएंगे, अगर संतोषजनक बात हो जाती है तो ठीक है और नहीं होती है तो 7 तारीख को फिर पंचायत रख दी। फरीदाबाद का खोरी गांव इनमें से एक है जो कैसे बसा, इसे सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से समझ सकते हैं। अरावली रेंज के आसपास खोरी गांव 1970 से बसना शुरू हो गया था। 1970 से 1990 तक यहां 7,000 मकान बन गए। 1990-92 के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसे ग्रीन जोन बनाया गया, लेकिन अगले 30 सालों में 3,000 मकान और बन गए। साल 2016 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अरावली रेंज में हुए अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल पूरे होने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 10,000 मकानों को हटाने का हुक्म जारी कर दिया। इससे पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर 2020 और 2 अप्रैल 2021 को तोड़फोड़ की गई थी। 14 सितंबर 2020 से यहाँ के लोग इस बात को जानते थे कि आज नहीं तो कल उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। तब यहाँ की 5 एकड़ जमीन पर तोड़फोड़ की गई थी, इलाका खाली कराया गया था, लेकिन बेघर हुए लोगों ने फिर यहाँ रहना शुरू कर दिया। पूरा इलाका आप देखिए, इसमें पहले 2 बार तोड़फोड़ हो चुकी है और अभी इससे पहले 2 अप्रैल को इस पूरे जो खोरी गांव है इसके अंदर यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। आप देख सकते हैं जितने भी मकान, ये सामने पूरा अरावली के जंगल है, आप देख सकते हैं ये पूरा अरावली के जंगल है, पूरी ग्रीन बेल्ट है और उसके इधर आप देखेंगे ये पूरी जो खोरी गांव है वो पूरा यहां पर बसा हुआ है इसी पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच। यहां पर पहले भी तोड़फोड़ 2 अप्रैल को की गई है, जहां तक आपकी नजर जाएगी तोड़फोड़ यहां पर की गई है, लेकिन आगे की जो मकान है यहां के जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि उनको कभी हाथ नहीं लगाया गया, यहीं पर ही आता है प्रशासन। खोरी गांव की ज्यादातर आबादी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए लोगों की है, ज्यादातर लोग मजदूर वर्ग से हैं। कोविड का खतरा भी है, उसको देखते हुए बड़ी गैदरिंग में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि आप जो सड़क है उस सड़क के किनारे जो आप बैठे हैं वहाँ से हटे, और लगातार जो हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी जो किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और आप उस तरफ देखेंगे कि लोगों को रोका भी गया है कि लोग सड़क की तरफ रुख ना करें। ये लोग जमीन माफिया का शिकार हुए, सस्ते दामों पर इन्हें सरकारी जमीन बेच दी गई, इन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन मिल गया, लेकिन अब इन्हें यहाँ से हटाए जाने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अरावली रेंज पर खोरी गांव में बने अवैध मकानों को हटाए। इस पूरे केस में हरियाणा सरकार की बड़ी जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि खोरी गांव में अवैध मकानों के निर्माणों को लेकर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव 6 हफ्तों के भीतर पूरी रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा था कि ये हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि सरकारी दस्तों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा था। अभी हरियाणा पुलिस ने खोरी गांव के बाहर बैरिकेड लगाकर फोर्स तैनात कर दी है। पुलिस के मुताबिक यहां महापंचायत जैसे जमावड़े की कोई इजाजत नहीं थी और जब ऐसा करने से रोका गया तो पथराव शुरू हो गया। खोरी गांव का मामला लंबे समय से गरमाता रहा है। यहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी थी, उसमें कोरोना के दौर का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें माफ करिए, हम साफ साफ सॉरी बोल रहे हैं, ऐसे तो वन भूमि पर कोई और कब्जा हो जाएगा, पहले जमीन से कब्जा हटना चाहिए।
अब किसान नेता की एंट्री खोरी गांव में हो चुकी है। वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि इस गांव को खाली कराया जाए, उसके विरुद्ध कोई विकल्प इन लोगों को दे, ताकि जो लोग यहां से जा रहे हैं वो लोग किसी दूसरी जगह जाके बस सके। इसको लेकर सरकार से ये मांग की जा रही है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो चार राज्यों में फैली है, लेकिन भारत पर आबादी का दबाव इस पर भी पड़ा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में माउंट आबू के पास है, जो करीब 1722 मीटर ऊंची है। दिल्ली में तो अरावली रेंज रिज इलाके में भी नजर आएगी। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज और जेएनयू में आज भी अरावली रेंज नजर आती है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां लंबे वक्त से अवैध खनन का शिकार होती रही हैं। इसका असर वाइल्ड लाइफ पर पड़ा है। हरियाणा में ही अरावली रेंज से जुड़े और उसके आसपास 16 ऐसे नेचुरल रिजर्व, जंगल, झीलें और बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, जिन्हें इंसानों की फैलती आबादी से नुकसान पहुंच रहा है। आबादी बस्ती गई, अरावली सिकुड़ती गई। कुल मिलाकर ये पूरा खेल एक मिलीभगत का है, जिसमें हजारों लोगों का नुकसान तय है। इस पूरी मिलीभगत में हर दौर के सरकारी अधिकारी, भूमाफिया भी था, नेता सभी शामिल रहे। 10,000 मकान जो है वो यहाँ पर कच्चे पक्के बने हुए हैं, उनको तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि जो ये खोरी गांव के लोग हैं, ये बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर तोड़फोड़ होती है तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।